नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। आजकल सोशल मीडिया में एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, बॉयकॉट पठान, बॉयकॉट ऋतिक रोशन। क्यों? क्योंकि ऋतिक रोशन ने लाल सिंह चड्ढा की तारीफ कर दी। अरे भाई, अपने दिमाग को क्या बना रहे हो तुम? ये बॉयकॉट बॉयकॉट का खेल करके तुम अपने अंदर सिर्फ नफरत भर रहे हो। आज मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर इस बॉयकॉट बॉलीवुड से किसको फायदा है। एक एक शब्द को सुनिएगा और मैं आपको यह भी बतलाने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे ऐलान, ऐसे आह्वान का समर्थन करके देश का नुकसान कर रहे हैं, देश की साख का नुकसान कर रहे हैं। कैसे, जानिए। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। आपकी स्क्रीन पर यह है अर्जुन कपूर, फिल्म एक्टर है। उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि एक अरसे से यह चलन चला आ रहा है जिसमें फिल्मों को बॉयकॉट किया जा रहा है, और फिल्म इंडस्ट्री एक अरसे से इस पर खामोश थी और हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा गया। जाहिर सी बात है, अर्जुन कपूर सिर्फ इतना कह रहे थे कि ये जो बार बार बॉयकॉट की अपील की जाती है अलग अलग संस्थाओं द्वारा, फिल्म इंडस्ट्री को इस पर कुछ बोलना चाहिए और बोलते रहना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। इसमें वो जनता को धमकी नहीं दे रहे थे, किसी को धमकी नहीं दे रहे थे, मगर पूरा का पूरा प्रचार तंत्र जो है वो अर्जुन कपूर के पीछे पड़ गया है। आपके सामने है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र। कायदे से इनका काम होना चाहिए मध्य प्रदेश के शासन पर ध्यान देने की, मगर इन सज्जन का ध्यान हर चीज पर जाता है। और इन्होंने अर्जुन कपूर के बारे में क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर नरोत्तम मिश्र, और नरोत्तम मिश्र कह रहे हैं, अब कोई फ्लॉप एक्टर जनता को धमकी दे तो ये मैं सही नहीं मानता हूं। अगर जनता को धमकाने की बजाय वो अपनी एक्टिंग पर ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा। मेरा उनसे एक सवाल है कि क्या वो ये जो हिमायती हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के, उनमें से किसी में हिम्मत है कि किसी और धर्म पर फिल्म बना सकें और धर्म के लिए अपमानित भाषा का इस्तेमाल कर सकें और धर्म के देवी देवताओं को नीचा दिखा सकें? सिर्फ हम सनातनी लोगों के साथ ऐसा करके जनता को बॉयकॉट करने पर धमकी देते हो? इंतजार करो अर्जुन जी, आप भी अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब यहां पर कोई धमकी दे रहा है तो सिर्फ नरोत्तम मिश्र दे रहे हैं कि इंतजार करो अर्जुन कपूर, आप भी। और अर्जुन कपूर यहां पर किसी को धमका नहीं रहे थे, वो सिर्फ इस बॉयकॉट कल्चर के खिलाफ बोल रहे थे। और क्यों बोल रहे थे? क्योंकि आपको याद है आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा आई, उस फिल्म के रिलीज होने से पहले उसे बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी। क्यों? क्योंकि एक जमाने में आमिर खान ने इंडियन एक्सप्रेस के एक फंक्शन में कहा था कि मेरी पत्नी, देश के अंदर जो मॉब लिंचिंग का माहौल बना हुआ है, वो पत्नी जो हिंदू थी, वो इससे इतनी ज्यादा डर गई कि उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को लेकर विदेशों में जाना चाहिए। ये शब्द आमिर के भी नहीं थे। और मैं नहीं भूला हूं कि उस वक्त आमिर खान एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, उस ब्रांड पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने आमिर खान को बतौर ब्रांड एम्बेसडर हटा दिया। अब उसके लिए लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट की मांग की जाने लगी। यही नहीं, शाहरुख खान की पठान आने वाली है, अभी रिलीज भी नहीं हुई है, और उसको भी बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ झूठा केस गढ़ा गया। खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कोई केस नहीं है, अदालत ने फटकार लगाई एनसीबी को, समीर वांखड़े नाम का ये गरीबों का सिंघम, इसे जो है एनसीबी से हटा दिया गया, केस से हटा दिया गया। तो शाहरुख खान पर भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। और शाहरुख और आमिर में समानताएं क्या हैं? शाहरुख खान जो हैं या फिर आमिर खान जो हैं, ये कभी भी मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक नहीं रहे हैं। मगर आज जो मैं आपके सामने मुद्दा उठा रहा हूं, इस बॉयकॉट कल्चर से फायदा किसको है? क्योंकि अगर बॉयकॉट से फिल्मों पर असर पड़ता तो ये ना भूलें आमिर खान की एक फिल्म आई थी दंगल,
उस वक्त उनका कहीं ज्यादा विरोध हो रहा था, मगर दंगल आजाद भारत के इतिहास की सबसे ज्यादा चलने वाली, सबसे ज्यादा हिट होने वाली फिल्मों में से थी। उनकी सीक्रेट सुपरस्टार भी आई थी, पीके भी आई थी, और सभी फिल्में सुपरहिट थी। किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए कि बॉयकॉट की अपील से कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इसमें दो राय नहीं कि असर पड़ता है, उससे एक माहौल बनता है। मगर मैं, जो लोग बॉयकॉट की अपील करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक फिल्म में सिर्फ एक आमिर खान या शाहरुख खान नहीं होता है, उसमें काम करने वाले सैकड़ों दूसरे लोग भी होते हैं जिनकी रोजी रोटी उन फिल्मों से चलती है। अगर मैं आपके तर्क को मान लूं कि बॉयकॉट करने से फिल्मों पर असर पड़ता है, तो आप तो उन लोगों की रोजी रोटी भी मार रहे हैं जो हिंदू हैं, जो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हों, जो इन फिल्मों में काम करते हों। तो अपने आप में जो लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो मेहनत से, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी बॉलीवुड में कमा रहे हैं। आपकी नाराजगी आमिर खान और शाहरुख खान से हो सकती है, मगर बड़ा प्रश्न यहां पर आप यह ना भूलें कि यह सब करके आप भारत में एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सोच पैदा कर रहे हैं जिससे दुनिया भर में हमारी जगह सही होगी। क्योंकि यह बात ना भूलें, बॉलीवुड इस देश की सॉफ्ट पावर माना गया है। दुनिया भर में भारत की आन बान और शान ये बॉलीवुड रहा है, जिसने भारत की आवाज को दुनिया भर तक पहुंचाया है। आज अगर बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही हैं, तो इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि वो अच्छी फिल्में नहीं हैं। लाल सिंह चड्ढा इसलिए नहीं चली क्योंकि वो अच्छी फिल्म नहीं थी, क्योंकि आमिर खान ने जितनी मेहनत दंगल या पीके या सुपरस्टार पर किया था, उतनी मेहनत उन्होंने नहीं की लाल सिंह चड्ढा पर। यह भी ना भूले, लाल सिंह चड्ढा इस फिल्म फॉरेस्ट गंप की कॉपी थी। हम उस दौर में जी रहे हैं दोस्तों, जहां हर इंसान के घर में नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम है। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई लोग पहले से ही फॉरेस्ट गंप देख चुके थे, इसलिए लाल सिंह चड्ढा में उनके लिए कोई नवीनता, कोई नई चीज नहीं थी। इसलिए यह फिल्म फ्लॉप हुई, क्योंकि अगर यह बॉयकॉट ब्रिगेड में इतना दम होता, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन दो फिल्मों पर निगाह डालिए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान किसकी फिल्म थी? ये चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बनी फिल्म थी, वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो भाजपा के बहुत करीब है। अक्षय कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा था कि आप आम काट के या चूस के खाते हैं, यानी कि भाजपा के पसंदीदा अभिनेता। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इसने इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ की, मगर यह हिंदू राजा की फिल्म थी। तो कायदे से अगर यह बॉयकॉट ब्रिगेड इतना महान होता, तो इसका असर सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर पड़ता और सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक सुपरहिट होती। मगर हुआ क्या, बुरी तरह से पिट गई। अब इन मोहतरमा पर देखिए, कंगना रनावत, इनकी फिल्म आई थी ये धाकड़, इतनी बुरी तरह से पिटी, इतनी बुरी तरह से पिटी कि वो फिल्म 3-4 दिन के आगे चल भी नहीं पाए। और कौन कंगना रनावत? वो कंगना रनावत जिन्हें हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वर के अवतार हैं। इन्होंने किसानों को गाली देने के चलते उनकी तुलना आतंकवादियों से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी अपील कर डाली कि आप अपना 2002 वाला रूप इन किसानों को दिखाइए। कौन सा 2002 वाला रूप? जब गुजरात के दंगे हुए थे। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं, अगर इस बॉयकॉट ब्रिगेड का असर होता, तो कंगना की धाकड़ और सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी हिट होती ना? नहीं हुई हिट। उल्टा लाल सिंह चड्ढा के साथ एक और फिल्म आई थी, रक्षाबंधन, जिसमें अक्षय कुमार थे, वो भी पिट गई। हालांकि रक्षाबंधन की लेखिका हैं कनिका ढिल्लन, जिन्होंने जब नागरिकता बिल को लेकर आंदोलन हुआ था शाहीन बाग में, उसको लेकर पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठाया था, उसको लेकर इन्होंने बॉयकॉट रक्षाबंधन भी चला दिया था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहली बात, आप देश का माहौल बर्बाद कर रहे हैं। अगर 2 मिनट के लिए मैं मान भी जाऊं कि इन बॉयकॉट के ऐलान से असर पड़ता है, यकीनन पड़ता होगा, क्योंकि जब नरोत्तम मिश्र जैसे मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर इस पर बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस पर अनाप शनाप बयान देते हैं, तो उनका एक प्रचार तंत्र होता है जो इन फिल्मों के खिलाफ काम कर रहा होता है।
मगर यह भी हकीकत है कि अगर कोई फिल्म अच्छी होगी तो उसे चलने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते सरकार उस पर पाबंदी लगा दे। अर्जुन कपूर ने एक बहुत ही सामान्य बात कही थी। अर्जुन कपूर ने सिर्फ इतना कहा था कि जो लोग बॉयकॉट खेल रहे हैं, हमें उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, मगर उससे जनता को धमकाने के साथ जोड़कर देख लिया गया। जिस ऐलान यानी बॉयकॉट बॉलीवुड के ऐलान को बुलंद किया जा रहा है, आप कहीं ना कहीं देश की जो सॉफ्ट पावर है, अंतर्राष्ट्रीय तौर में भारत की जो पहचान है, कई पहचानों में से एक पहचान बॉलीवुड है, आप उस पहचान को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी क्या पहचान चाहते हैं बताइए, कि यह देश जो है बेवजह नाराज होने वाले लोगों का देश बन के रह जाए, कि इस देश के अंदर 15 अगस्त को बिल्किस के जो गुनहगार थे, जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया था, उन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया। क्या आप देश की यह पहचान चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो 15 अगस्त को लाल किले से कहते हैं कि मेरा दिल दुखता है जब लोग औरतों को गाली देते हैं, मगर दूसरी तरफ बिल्किस के गुनहगारों को रिहा कर दिया जाता है? क्या आप ऐसा देश चाहते हैं? बताइए, क्या आप ऐसा देश चाहते हैं जहां खाने की आजादी ना हो, पहनने की आजादी ना हो, कोई हिजाब बुरका पहने तो उसको लेकर बवाल कर दिया जाए, लोगों को मॉब लिंच कर दिया जाए क्योंकि वो दूसरे धर्म के हैं, या कोई आपसे इत्तेफाक नहीं रखे तो उसे लगातार टारगेट किया जाता रहे? क्या आप भारत की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह पहचान चाहते हैं? मैं जानता हूं कि बॉलीवुड में कई दिक्कतें हैं, बॉलीवुड में कंटेंट की कमी है सबसे बड़ी बात, अच्छी फिल्मों की कमी है, अच्छी स्क्रिप्ट्स की कमी है, वहां भाई भतीजावाद है, परिवारवाद भी है, मगर वो तो राजनीति में भी है ना, कई ढेरों नमूने हैं। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं यहां पर, बॉलीवुड की अपनी कमी होगी, फिल्म इंडस्ट्री की अपनी कमी होगी, मगर उसके लिए ये बॉयकॉट जैसे नारे देना, ये कहां की समझदारी है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। तो यकीनन मेरा मानना है कि बॉयकॉट बॉलीवुड से किसी का फायदा नहीं है, फायदा सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज को है जिन्हें लगता है कि इस तरह के नारे देकर उन्हें वोट्स हासिल हो सकते हैं। तो दोस्तों समझे आप, अगर आपको कोई फिल्म नहीं देखनी है मत देखिए, कोई आप पर जबरदस्ती नहीं डाल रहा है, मगर जब आप बॉयकॉट जैसे ऐलान करते हैं तो आप एक डर का माहौल पैदा करते हैं, एक सिनेमा हॉल के आसपास एक फियर साइकोसिस पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा ना, एक फिल्म के अंदर सिर्फ एक अभिनेता काम नहीं करता है, जिससे आप में से कुछ लोग नफरत करते होंगे, उसमें कई और लोग भी होते हैं, आप उनकी रोजी रोटी पर भी लात मार रहे हैं, बशर्ते ये कि बॉयकॉट का जो ऐलान है वो कारगर साबित हो रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।